हेलो स्टूडेंट्स, पास्ट लेक्चर्स को समझने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के आइडिया को एस्टैब्लिश करने का ये जो प्रोसेस रहा है ये इतना सिंपल नहीं रहा है। इस प्रोसेस में बहुत से चैलेंजेस और स्ट्रगल्स छुपे हैं। आज के लेक्चर में हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को ध्यान रखते हुए वर्ल्ड मैप की मदद से ये पता लगाएंगे कि डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिश होने का ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हमें कोई पैटर्न्स नजर आते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब पहले मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में उन कंट्रीज को हाईलाइट किया गया है जहां पर डेमोक्रेसी का आइडिया एस्टैब्लिश किया गया 1900 और 1950 में। सेकेंड मैप की अगर बात की जाए तो सेकेंड मैप में उन कंट्रीज को हाईलाइट किया गया है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई 1975 में, और थर्ड मैप में डेमोक्रेसी की सिचुएशन दिखाई गई है 2000 में। तो तीनों मैप को देखकर क्या लगता है आपको, डेमोक्रेसी के एक्सपैंड होने का ये जो प्रोसेस है क्या इसमें कोई पैटर्न है? सोचिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करूं तो डेमोक्रेसी का आइडिया मेजरली एक्सपैंड हुआ है 1900 से 2000 के बीच। ये बन जाता है हमारा पहला पैटर्न। सेकंड पैटर्न ये है कि डेमोक्रेसी का आइडिया वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में इवन तरीके से नहीं स्प्रेड हुआ है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इन तीनों मैप्स की मदद से, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा अफ्रीका। थर्ड पैटर्न ये है दोस्तों कि डेमोक्रेसी का आइडिया वर्ल्ड में पॉपुलर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो ये हो गए कुछ पैटर्न। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, हम लोग डेमोक्रेसी की जर्नी को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक होगा फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर चलिए, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।